वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी में सीडीपी का जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी रैंक में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ये सेंट्रल टीटी जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षार्थी में न तो कोई समान विशेषताएँ होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और फोर्थ ऑप्शन है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता रुचियों और प्रतिभा में एक समान नहीं होते। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और रुचियों और प्रतिभा में एक समान नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट जून 2011 में पूछा हुआ है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन विकास की दर, सेकेंड ऑप्शन विकास क्रम, थर्ड ऑप्शन विकास की सामान्य क्षमता और फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, विकास की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट जनवरी 2012 में पूछा हुआ है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिगत भिन्नता, सेकेंड ऑप्शन है अंतर संबंध, थर्ड ऑप्शन है निरंतरता और फोर्थ ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सी टेस्ट सेप्टेम्बर 2014 में पूछा हुआ है। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थक को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। सेकेंड ऑप्शन है व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृत एवं उत्तरदायी ठहराने में। थर्ड ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एक रूप बनाने में। और फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करके और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उन्हें उसके अनुरूप पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। शिक्षार्थियों में बहुत सी भिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होना आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। सेकंड ऑप्शन है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। ऑप्शन में दिया गया है नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड दोनों, थर्ड ऑप्शन है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है केवल फर्स्ट। तो इसमें जो है फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही होगा, यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं सीखने और के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं और भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेंट्रल टीटी जुलाई 2019 में पूछा गया है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणिक कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। सेकेंड ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। थर्ड ऑप्शन है पर्यावरणिक कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2018 में पूछा गया है। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक, फर्स्ट ऑप्शन है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। और फोर्थ ऑप्शन है
व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों को पढ़ा सके। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। थैंक यू।